हेलो एवरीवन, दिस लोकेशन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज डेट है 9th May 2018 एंड इट्स वेडनेसडे एंड ये सरप्राइज एक व्लॉग कह सकते हो जो हेलमेट पॉइंट है अपने गोपालपुरा पे, जो वरुण भाई उसके ओनर है, उनका मेरे पास कॉल आया। लास्ट वीक भी मेरे पास कॉल आया था लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। देन ही सेड कि आओ आप यहाँ पे, आपके लिए कुछ सरप्राइज है। तो सरप्राइज मुझे पता तो लग चुका है, तो मैं आपके सामने वहीं जाके रिवील करूँगा। तो लेट्स गो। Alright people, I have reached helmet point and finally पहुँच गए। And if you are coming from this side से तो it will be on your left and गोपालपुरा side से आते हो तो then obviously right के अंदर ही होगा तुम्हारे। तो ये हैं हमारे वरुण भाई। हेलो भाई। ये हैं हमारे अंकल जी जो हमेशा वरुण भाई, क्या सरप्राइज था आप बताओगे आज? मैं तो क्या ही बताऊंगा। आप लास्ट टाइम, आपको कुछ याद होगा, जनवरी में आप मेरे पास आए थे। हाँ हाँ आए थे आप अपनी। चलो पहले ऊपर चल के फिर पहले एक है ना हेलमेट पॉइंट का, पहले एक अपन पहले हेलमेट पॉइंट का टूर देते हैं। हाँ। कि यहाँ पे वरुण भाई ने रखा क्या क्या है, सरप्राइज को थोड़ा सा और सरप्राइज रखते हैं। अपने बाइकर थे उनका गियर का यहाँ पर अपन ने सारी जैकेट्स रखी है, टैंक बैग, इंपोर्टेड हेलमेट भी यहाँ पर अपन ने रखे हैं, ग्लव्स अपन ने रखे हैं, जूस का रखते हैं, एम्प्टी रखते हैं, सोल रखते हैं, कुछ भी कहो, इंटीरियर तो अच्छा बना रखा है आपने यार। लाइट देखो, वह है बहुत हेलमेट रख रखे हैं। अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेट्स गो। ये हेलमेट एसी है, नया प्रोडक्ट आया जो कि मैं कल रिव्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसका। और हेलमेट देखते हैं कौन कौन से हेलमेट रखते हैं वरुण भाई के पास ऑलरेडी इनकी हार्ले आयरन है, अपन ने AGV रख रखा है, ये AGV जैसी एमटी हेलमेट रख रखे हैं, पूरे तरह का TSS हो गया, जूस हेलमेट हो गया, अपने LF2 हो गया, काफी अपन यहाँ पर हेलमेट। बिगिन विद द सरप्राइज। तो सरप्राइज वरुण भाई से मैंने बात करी कि हाँ ये सरप्राइज है क्या, क्योंकि इन्होंने मेरे को लास्ट वीक से भी कॉन्टेक्ट किया था तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियोज के चक्कर से। तो सरप्राइज इज लाइक, मतलब कि अगर तुम लोगों ने मेरा स्पीति वाला वीडियो देखा होगा तो पहले वो जाके चेक करो, मैं भी देता हूँ, पहले वो चेक करो। तो ये था इस वीडियो से रिलेटेड, मतलब कि इस वीडियो के अंदर जो मैंने जैकेट पहना है ब्लैक कलर का, वो था RR Gear, रॉयल राइडर्स ग्रुप नाम से, राइट? यस, रॉयल राइडर्स कंपनी है उसका, RR Gear, जो काफ़ी अभी अच्छे अच्छे जैकेट्स बना रही है। मेरे को जैकेट पसंद आया था, ऑल दो ये जैकेट मेरा नहीं था, आशीष का जैकेट था, उसको मैंने रिकमेंड किया था एक साल पहले जब वो लद्दाख जा रहा था। थैंक यू आशीष मेरे को जैकेट देने के लिए। पहली बात तो जब मैं स्पीति गया था, उसका वीडियो का आई कार्ड आ रहा होगा यहाँ पे, उस पे जाके देख लेना वीडियो मेरा स्पीति वाली ट्रैवल सीरीज। तो अब बाकी सारी चीज़ें आपको वरुण भाई बताएंगे कि हुआ क्या के लिए, लेकिन अब इनको अप्रूवल मिला तो अब इन्होंने मेरे को बुलाया। तो मैं ये राइड पे गए, इन्होंने वीडियो डाला तो इससे रॉयल राइडर वाले इनसे मतलब काफ़ी खुश हुए कि हाँ इनका वीडियो बहुत अच्छा लगा, लुकिंग वाइज और सब चीज़ें इन्होंने बताया, प्रॉपरली सब बताया। तो ये चीज़ मैंने उनको बताई कि जो अपना इनका जो नया जैकेट नया लॉन्च हुआ है, नई फर्म के नाम से मिलन राइड करके लॉन्च हुई है नई, जो इस जैकेट का नाम है इस्काला, ये इस्काला है और इस्काला है और इसका मॉडल का नाम है अल्फा, और ये अप्रोच आता है इसका जैकेट का कॉस्टिंग है 4999 ओनली। हाँ, एक 4999 का है और एक है 5999 वाला। तो मैं इन दोनों के स्क्रीनशॉट छोड़ रहा हूँ, पहले तुम लोगों को उस चीज़ के डिस्क्रिप्शन में पढ़ लो कि पहले इस दोनों के है क्या क्या चीज़। सो लेट मी करेक्ट यू वन थिंग, जो RR Gear था वो ऑलरेडी एक कंपनी थी और उसके बाद जो इसका फर्म एक और आई हो मिलियन राइड्स नाम से। तो ये है नया इस्काला वाला जैकेट जो मिलियन राइड्स की तरफ से मेरे को मिला है नया, तो कंफर्टेबल तो काफ़ी है। बाकी तुम लोगों को दिख रहा होगा लुक्स में कैसा है, तुम देख लो पीछे से काफ़ी ब्रॉड लग रहा है, मतलब कि मेरा ये जो साइज़ है XL है और कंफर्टेबल हूँ, मेरे को L और XL दोनों आता है। तो इसका जैकेट ये अंदर से ऐसा दिखता है और ये इस्काला लिखा हुआ है इस पर, और जो मार्वल है ये इसका वो प्रोडक्ट का नेम है एक्चुअली, राइट? ये रिफ्लेक्टर्स हैं इसके फ्रंट में और ये जो लाइनिंग है और ये है और ये यहाँ पे भी इसके शोल्डर्स पे भी गार्ड है
और इसके यहाँ पे भी से भी काफी अच्छा लग रहा है जैकेट, लेवल 2 प्रोटेक्शन में सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता जैकेट है। ट्राई करना एक बार, ट्राई तो करना एक बार आके, बाकी लेना नहीं लेना वो तुम्हारे ऊपर है। थैंक यू सो मच मिलियन राइट्स। एंड मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा इस जैकेट के ऊपर दोपहर के अंदर निकल के, और एक बार मैं कूदूंगा भी, गिर के भी देखूंगा, सब छोटा मोटा कर लूंगा एक बार, होश होगा जितना मेरे से, देखते हैं कितना प्रोटेक्ट करता है सब कुछ। तो मैं इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू थोड़े दिनों बाद एक छोटी राइड करके मैं बताऊंगा उसके बारे में। तब तक ये एंजॉय करो एंड थैंक यू बोलो वरुण भाई को। वरुण भाई, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, और मुझे इनके सपोर्ट के साथ साथ आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए जिससे कि मैं थोड़ा जयपुर से आगे बढ़ सके अपन लोग, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, और तो सब ठीक है। चलो, मेरे को ब्रॉड जैकेट काफ़ी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है ये मैंने 180 डिग्री पे मैं शूट कर रहा हूँ सुपर व्यू पे, इसलिए आ रहा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा ही है। एंड चलो चलते हैं अभी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल कम विद मोर वीडियोज। टिल देन, बाय, राइड सेफ, टाटा।